जाप की बैठक में संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर जाप करेगी कमेटी का विस्तार। जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं की एक दिवसीय बैठक हिलसा शहर के स्वराज पैलेस के सभागार में रविवार को संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के मजबूती को ले प्रखंड से लेकर पंचायत के बूथ स्तर पर कमेटी का विस्तार करने का निर्णय लिया। इस दौरान जाप के जिला अध्यक्ष कन्हैया यादव ने कहा कि जाप किसी जात पात की पार्टी नहीं है, बल्कि जाप पार्टी मानवता, इंसानियत और भाईचारे की पार्टी है। इसी के वजह से पार्टी के मुख्य संरक्षक सह सांसद पप्पू यादव आज समाज के बीच एक अलग पहचान बनकर उभरे हैं, जो समाज में हर परिस्थिति के साथ खड़ा होकर उनकी मदद करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। उनके कार्यों से आज पूरा बिहार की जनता जन अधिकार पार्टी के ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर बूथ कमेटी का विस्तार करने के लिए कार्यकर्ताओं को युद्धा स्तर पर कार्य करना होगा, और अभी से ही इस कार्य में सभी लोग जुट जाए तथा जन जागरूकता एवं सदस्यता अभियान भी चलाने को कहा। बैठक में जाप के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता इंद्रजीत चक्रवर्ती, प्रखंड अध्यक्ष हरि राम कुमार, जाप के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष राजू दानवीर, विनोद कुमार, धर्मवीर कुमार, मुकेश पासवान, वोमकेश कुमार, रंजन यादव, सत्यनारायण प्रसाद, राजीव रंजन। कुछ भी असंभव है, जो कि शिक्षा का सबसे पहला नारा जो है पप्पू जी ने दिया है, पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। तो और आप लोग से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इतना क्रियाशील हो जाए।